गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। ट्रांसपोजिशन अगर हम यहां पर देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि एक जीन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस जीन की ओरिजिनल जगह थी ये यहां से जंप करके एक नई जगह पर आया, इसलिए इन जीन्स को हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। अब ये जंप विद इन वन क्रोमोसोम भी कर सकता है, तो अगर वन क्रोमोसोम करेगा तो इसको हम इंट्रा क्रोमोसोमल कहेंगे, एक क्रोमोसोम की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चला गया। वहीं यहां पर हम देख सकते हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन गया और ये दूसरी लोकेशन दूसरे क्रोमोसोम की है, तो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे भी जंप मार सकते हैं, इस चीज को हम इंटर क्रोमोसोमल कहेंगे। इसकी वजह से इन जीन का नाम जंपिंग जीन भी है, मोबाइल एलिमेंट्स भी, और उसके अलावा सेल्फिश जीन भी इनको कहते हैं। अब क्वेश्चन याद है कि इनको सेल्फिश जीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिए ये कुछ जीन्स में या फिर बहुत सारे जीनों में वेरिएशन भी ला सकते हैं। किस तरीके से वेरिएशन लाते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल सा जीन प्रेजेंट था जो कि यहाँ पर अपना प्रोटीन बना रहा था। अब यहां पर इसने आकर क्या किया, इसने यहां पर आकर इस जीन को डिसरप्ट कर दिया। डिसरप्ट कैसे किया, यहां पर ये जो जीन था इसके बीच में आ गया, ये यहां पर समझिए जीन था इसके बीच में अब आके बैठ गया। अगर ये इसके बीच में आके बैठ गया तो ये जीन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो यहां पर इसने इस जीन को डिसरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैं इसको सेल्फिश जीन कह रही हूं। इसके अलावा ये जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं लगभग हर लाइफ फॉर्म के पास प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमंस के पास भी 50% जो हमारा जीनोम है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि ज्यादातर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो इसकी वजह से इतना इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पर इनके बारे में और जानने की कोशिश करें तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डीएनए टाइप एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं रेट्रो टाइप एलिमेंट्स। फर्क क्या, एक एक करके समझते हैं। जो डीएनए टाइप एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डीएनए था, यहाँ पर इतना पार्ट जो है ये ट्रांसपोजोन का, ये ट्रांसपोजोन यहां से कट हुआ। अब यहां से कट होके इसने क्या किया, एक टारगेट डीएनए देखा, टारगेट डीएनए के इधर भी यहाँ पर कट लगाया और यहाँ पर ये जो डीएनए है ये आगे चिपक गया। इस टाइप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डीएनए टाइप एलिमेंट या फिर क्लास टू एलिमेंट। वही यहां पर अगर मैं दूसरे को देखूं तो दूसरा यहां पर क्या होता है, रेट्रो एलिमेंट होता है। रेट्रो एलिमेंट में आरएनए बनाया जाता है, इसमें कोई आरएनए नहीं था लेकिन रेट्रो एलिमेंट में आरएनए की सिंथेसिस की जाएगी। किस तरीके से होता है, वंस अगेन मेरे पास एक डीएनए, डीएनए पे यहां पर प्रेजेंट था ट्रांसपोजोन, यहां पर इस ट्रांसपोजोन ने ट्रांसक्रिप्शन किया और एक आरएनए इंटरमीडिएट बनाया। अब ये जो आरएनए है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए की सिंथेसिस करेगा, फिर से यहां पर एक बार ये डीएनए बन गया तो अब ये डीएनए टारगेट डीएनए से जाके चिपकेगा। तो यहां पर डिफरेंस इतना सा है कि ये वाला जो है सेकेंड वाला एक आरएनए बना रहा है और फर्स्ट वाला जो है वो कोई आरएनए की सिंथेसिस नहीं कर रहा है। अगर हम यहां पर आगे समझने की कोशिश करें तो डीएनए मेडिएटेड ट्रांसपोजोन्स दो तरीके के होते हैं। पहला वाला जो होता है उसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, कंजर्वेटिव को कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने चैट वगैरह में या बहुत सारी जगह आजकल यूज करते हैं ना कट एंड पेस्ट। पर जो दूसरा वाला होता है वो रेप्लिकेटिव होता है, रेप्लिकेटिव का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट हम व्हाट्सएप पे भी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट बहुत सारी जगह करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो ये कंजर्वेटिव है जिसको हम कट एंड पेस्ट कह रहे हैं वो क्या कर रहा है, ये ओरिजिनल पोजीशन से हटके नई जगह पे आ गया, यानी कि नई जगह पे पूरी तरीके से कट हो गया और सॉरी पुरानी जगह पे पूरी तरीके से कट हो गया और नई जगह पे चला गया। वही रेप्लिकेटिव वाला क्या करेगा, ये डीएनए कट होकर नहीं जाएगा, ये डीएनए यहां पर अपना रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाएगा और ये जो रेप्लिकेटेड वाला डीएनए है वो यहां पर नई जगह पर जाएगा, यानी कि पुरानी जगह पर भी ये प्रेजेंट रहेगा और नई भी जगह पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये रेप्लिकेशन करके गया है, डीएनए अपने अपना रेप्लिकेशन किया है और फिर जो रेप्लिकेटेड वाला डीएनए है वो नई जगह पे जा रहा है। तो यहां पर इसमें कॉपी पेस्ट हो रहा है, वही इसमें क्या हो रहा है, कट एंड पेस्ट। इसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं और इसको हम रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन कहते हैं। अगर हम यहां पर देखिए जो कंजर्वेटिव वाले होते हैं वो यूकैरियोट्स में भी हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं जैसे कि TN5, TN10, यूकैरियोट्स में भी होते हैं जैसे कि पी एलिमेंट्स एंड ड्रोसोफिला। वहीं जो यहां पर रेप्लिकेटिव टाइप के होते हैं वो बैक्टीरिया में होते हैं प्रेजेंट, जिनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर ये है कि असल में जो ट्रांसपोजोन होता है इनका स्ट्रक्चर होता कैसे, दिखते कैसे है ट्रांसपोजोन। हमने बोला हाँ डीएनए के तो है, पर डीएनए में भी कैसे दिखते हैं ये, तो हम डीएनए ट्रांसपोजोन का वो जो हिस्सा है डीएनए का उसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एंजाइम। इनके पास एंजाइम कौन सा होता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम है जो एंड्स पे कट लगाने का काम करेगा। इसके अलावा इनके पास एक रेगुलेटरी पार्ट भी होता है जो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है कि कब ये प्रोसेस चलाना है, कब ट्रांसफर चलाना है, कब ट्रांसफर नहीं चलाना है। और इनके एंड्स पे यहाँ पर इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये ट्रांसपोजोन एंजाइम ट्रांसपोजेस एंजाइम बन गया है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस इन्वर्टेड रिपीट्स पे आके कट करेगा। एक बार इसने यहाँ पर इधर आके कट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हमें इतना फ्रेगमेंट मिल जाएगा, ये डीएनए अलग हो गया, इतना कट हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रांसपोजेस एंजाइम है टारगेट डीएनए के पास जाएगा जिसमें इस फ्रेगमेंट को हमें लाके जोड़ना है, और यहाँ पर ये जो ट्रांसपोजेस है ये यहाँ पर भी आके कट कर देगा। एक बार ट्रांसपोजेस ने यहाँ पर भी आके कट कर दिया, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा यहाँ पर डीएनए इसको हम यहाँ पर लाके जोड़ देंगे। कहाँ पर लाके जोड़ देंगे, इस हिस्से पे लाकर जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम यहाँ पर लाके इस तरीके से अटैच कर देंगे, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी चलती है। अब यहाँ पर अगर हम ये नई लोकेशन देखें तो इस नई लोकेशन के पास क्या होगा, एक ट्रांसपोजेज एंजाइम की जगह होगी, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगे और इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे। यहाँ पर इसके एंड्स में एक और चीज आ जाती है, दैट इज फ्लैंकिंग होस्ट डीएनए, और उसी के साथ साथ जो ब्लू कलर का हिस्सा ही होता है टारगेट साइट डायरेक्ट रिपीट। इस इन्वर्टेड रिपीट के जस्ट बाजू में यहाँ पर आ जाता है टारगेट साइट डायरेक्ट रिपीट, कि ये डायरेक्ट रिपीट है, ये इन्वर्टेड ये डायरेक्ट रिपीट है। ये कहां से मिलते हैं इनको, ये यहां पर होस्ट डीएनए पे मिलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये काम करते हैं। हम यहां पर ये देख भी सकते हैं कि इसी तरीके से जो अभी मैंने बताया आपको, वही चीज मैं यहां पर फिर से भी दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स यहां पर प्रेजेंट और यहां पर ट्रांसपोजेस जीन प्रेजेंट रहता है। यहां पर हम एक बार फिर से प्रोसेस को देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोजेस आया, ट्रांसपोजेस ने इन्वर्टेड रिपीट्स पे कट किया, कट करने के बाद यहां पर ये क्या करेगा, टारगेट साइट पे भी कट कर रहा है। टारगेट साइट पे कट करने के बाद यहां पर जो है इस ये वाला जो डीएनए, इस डीएनए के यहां पर बीच में आके चिपक जाएगा। ये जो साइड में जगह बच रही है इसको यहां पर डीएनए रिपेयर आके फिल कर देगा, और यहां पर इस तरीके से हमारे पास ये जो डीएनए लाइगेस वगैरह के चिपका देगा, और इस तरीके से अब हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार है। तो इस तरीके से डीएनए ट्रांसपोजोन्स वर्क करते हैं। यहां पर आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं, जो रेप्लिकेटिव वाला होता है और जो कंजर्वेटिव वाला होता है, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी देख सकते हैं। कंजर्वेटिव वाले में ओरिजिनल पोजीशन पे गैप रह गया है, वहीं रेप्लिकेटिव वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके आगे अगर हम यहां पर देखिए तो ये जो ट्रांसपोजेस होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, जो ट्रांसपोजोन्स है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नॉन ऑटोनोमस और एक होते हैं ऑटोनोमस। दोनों में फर्क क्या रहता है, यहां पर ये जो नॉन ऑटोनोमस है ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनके पास इन्वर्टेड रिपीट्स होता है, ये खुद के ट्रांसपोजेस एंजाइम नहीं बना सकते। वही जो ऑटोनोमस वाला है इनके पास इन्वर्टेड रिपीट्स के साथ साथ यहां पर ट्रांसपोजेस एंजाइम बनाने की भी एबिलिटी होती है, यानी कि इनके पास ट्रांसपोजेस जीन प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या है, ये जो नॉन ऑटोनोमस है ये खुद का जीन नहीं बना सकता, मतलब खुद का प्रोटीन नहीं बना सकता, ट्रांसपोजेस प्रोटीन नहीं बना सकता। इसकी वजह से नॉन ऑटोनोमस वाले ऑटोनोमस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि भाई ऑटोनोमस वाला ट्रांसपोजेस एंजाइम बनाए, और फिर ट्रांसपोजेस एंजाइम जो होते हैं वो नॉन ऑटोनोमस को ट्रांसफर करने में मदद करे। तो यहां पर ये जो नॉन ऑटोनोमस वाले के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहां पर हम वही चीज को फिर से देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा ट्रांसपोजोन एलिमेंट है वो इनएक्टिवेशन करवा सकता है जीन्स का, जैसे कि यहां पर एक जीन था, कोडिंग जीन था, उसके बीच में यहां पर ट्रांसपोजोन आके बैठ गया। अब यहां पर इसकी वजह से इस जीन की इनएक्टिवेशन हो चुकी है, क्योंकि अब ये काम ही नहीं कर पाएगा, ये कट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट था ट्रांसपोजोन्स का। उम्मीद करती हूँ कि आपको डीएनए ट्रांसपोजोन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगले वीडियो में हम इसी चीज को कंटिन्यू करने वाले, पार्ट टू देखेंगे इसका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।